भारतीय जनता पार्टी के बेनीगंज स्थित कार्यालय पर बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंश पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सम्मानित करने पहुंचे। भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र द्वारा कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंश, भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री रत्नाकर तथा भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले युवा मोर्चा के सभी जिला अध्यक्षों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा प्रदेश की पदाधिकारियों को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंश ने कहा कि विगत लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड बहुमत के लिए गोरखपुर क्षेत्र के सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को बधाई तथा शुभकामनाएं, और कहा कि युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के त्याग, बलिदान एवं परिश्रम का ही नतीजा है कि भाजपा को यह प्रचंड बहुमत प्राप्त हुई। अभिनंदन समारोह में भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े, महानगर अध्यक्ष पवन यादव, विद्यामणि सिंह, जिला अध्यक्ष सत्यम साहनी, हिमांशु राय, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, देवरिया, मऊ, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर के जिला अध्यक्षों सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंश ने कहा, सत्यम साहनी जी, अनिल कुमार जी, कुशीनगर, संदीप श्रीवास्तव जी, शैलेन्द्र त्रिवाणी जी, कृपया जल्दी जल्दी आए आप लोग, देवरिया, विंदेश पांडे जी, अमित सिंह जी, राज दीक्षित जी, महाराजगंज, गगन पांडे जी, आप लोग पीछे चले जाइए, फिर पीछे कर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष जिनके मार्गदर्शन में प्रदेश के पदाधिकारी कितने आए हैं, कार्य समिति सदस्य, क्षेत्र के पदाधिकारी, क्षेत्र जिले के बाहर में उनसे आग्रह है कि वहां जाए, सभागार में आ जाए, मंच पर विराजमान हम सभी के अभिभावक, रहने वाले सभी सम्मानित प्रदेश के पदाधिकारियों से मेरा विशेष आग्रह है। अभी 2019 के लोकसभा में जो प्रचंड विजय प्राप्त हुई है और आदरणीय मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश और देश की जनता को धन्यवाद करने तथा पूरे भारत में विजयोत्सव मनाने के दौरान ही भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश अपने सभी 6 क्षेत्रों में सभी जिलाध्यक्ष महामंत्रियों सहित एक आभार ज्ञापन, धन्यवाद ज्ञापन, धन्यवाद देने की एक प्रक्रिया अपने कार्यकर्ताओं को, इसी तहत हम लोग 6 क्षेत्रों में 6 कार्यक्रम यह कर रहे हैं कि इतनी मेहनत की युवाओं ने और इतना उन्होंने जोश से लगे रहे पूरे साल भर, जिसमें युवा मोर्चा ने कुल 40 से ज़्यादा कार्यक्रम किया, बूथ स्तर तक गए, सरकार की नीतियों को नीचे तक उतारने में सफल रहे, और युवा शक्ति ने, उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति ने अहर्निश परिश्रम करते करते चिरैवेद चिरैवेद की भावना से काम किया और पार्टी को विजय दिलाई। इसलिए आज हम सब लोगों ने कार्यकर्ता मिलन सम्मान समारोह यहाँ पर रखा है, इसी के निमित्त मेरा भी आना हुआ है।